हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे बीएससी में फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें अभी हम दो लेक्चर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट समझाए थे। आज उससे अगला जो कंसेप्ट है मनी मार्केट के बाद, वो यहाँ पे दे रखा है कैपिटल मार्केट का मीनिंग और कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस। तो बेटा, अगर आपने शुरू के दो बेसिक कंसेप्ट समझे हुए हैं, दो लेक्चर अच्छे से सुने हुए हैं, तो आज का कंसेप्ट काफ़ी उसी से रिलेटेड है, तो बातों को ध्यान से सुनना। कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? पेपर में एक लाइन याद रखनी है सबसे पहले तो बेटा आपको, कैपिटल मार्केट की किसे कहते हैं? कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें उन इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? मोर देन वन ईयर। और भैया, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे? जैसे कि शेयर डिबेंचर और बॉन्ड्स, ये मोर देन सफिशेंट है फिलहाल के लिए इसमें याद रखने के लिए। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोथ डेब्ट एंड इक्विटी हैविंग लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बेचे जाएंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज़्यादा है। और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से, मतलब लोग कैपिटल मार्केट में क्या क्या लोग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। मेनली स्टॉक एक्सचेंज से ही आप लोग, मेनली आप स्टॉक एक्सचेंज से क्या करते हो, ये जो सिक्योरिटीज़ है वो खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। एक लाइन कैपिटल मार्केट पे याद रख ली, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या फ़र्क है, ध्यान से सुनना। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस दे रखे हैं, इसे मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को रीड करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैपिटल और मनी मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, पार्टिसिपेंट्स, मतलब कैपिटल मार्केट में कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मनी मार्केट में कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट में कौन कौन से लोग पैसा लगाते हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब जो बंदे इनकी सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं। कैपिटल मार्केट में कौन कौन लोग सिक्योरिटी खरीदते हैं और मनी मार्केट में? कैपिटल मार्केट में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर। और यहाँ पे कौन कौन लोग सिक्योरिटी खरीद रहे हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट। हमारा नाम का है, हमारे इंडिविजुअल्स का, हम कहाँ पे पैसा लगाते हैं? क्या हम कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं या मनी मार्केट में लगाते हैं ज़्यादातर? आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहाँ पे पैसा लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? क्या लगता है आपको, आप और मेरे जैसे लोग कहाँ पे पैसा लगाते हैं? तो मेरे पे पार्थ और ऋषि का आंसर आया कि भाई हम कैपिटल पे लगाते हैं, ठीक है, सबने आंसर दिया। लेकिन बेटा, कैपिटल मार्केट में हमारा नाम कहाँ गया, हमारे जैसे लोगों का नाम कहाँ गया? क्या हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नहीं। क्या हम बैंक्स हैं? नहीं। क्या हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी है? नहीं। क्या हम फॉरेन इन्वेस्टर हैं? नहीं। तो भैया, हम हैं कहाँ? हमारे जैसे लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हमारा नाम तो लिखते हैं ना, ये कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग भी पैसा लगाते हैं, तो ये उसका नाम है ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर। जो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम बहुत कम पैसा लगाते हैं परसेंटेज वाइज, लेकिन हाँ, यही जो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर है, ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है। सेकेंड वन है ड्यूरेशन, आपको तो बिना देखे पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बेचे आते हैं जिनकी ड्यूरेशन किससे ज़्यादा होती है। मतलब इसे पढ़ने की ज़रूरत कोई है जब पहले अगर बातें सुनी भी हैं? यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे आते हैं जिनकी जो ड्यूरेशन है वो किससे ज़्यादा होगी? वन ईयर से ज़्यादा होगी। लॉन्ग टर्म, इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और ये किसके साथ डील करेगा? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जिसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? वन ईयर। भैया, ये तो पहले ही पता था इंस्ट्रूमेंट, ये भी पहले से पता है। यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बेचे जाते हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ऑलरेडी पता है। भैया, यहाँ कौन से खरीदे जाते हैं? बेटा, कल 5 समझाए ना, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, और ट्रेड बिल की जगह कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये तीनों पॉइंट ऑलमोस्ट हमने पहले ही रीड करे हुए थे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आउटले, ये भी आपको ऑलमोस्ट पता है।
इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना है और मनी में लगाना है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझो बेटा, एक शेयर 10 रुपये का भी आ सकता है, एक शेयर कितने का भी आ सकता है, 10 का भी। लेकिन मनी मार्केट में जो मैंने कल आपको बताया था टी बिल, ट्रेजरी बिल, वो कितने का आएगा भैया? वो आपने बताया था ट्रेजरी बिल ना 25,000 का आएगा लगभग एक। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? ज़्यादा महंगा मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सी मार्केट का कॉस्टली है, कैपिटल या मनी? तो वो किस मार्केट का कॉस्टली होगा? मनी मार्केट का। ठीक है, तो ये है लेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कम पैसा चाहिए कैपिटल में, लेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो वैल्यू है सिक्योरिटी की वो बहुत कम है, 10 या 100 रुपये के बीच में ही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एक्सपेंसिव। 25,000 का एक टी बिल आता है, ट्रेजरी बिल, और शेयर कितने का ही आ जाता है, 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट में ही आएंगे, म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट में ही आएंगे, वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है फिर भी मैं बता दूँ। मतलब ये कुछ कमियाँ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि म्यूचुअल फंड उन्होंने पूरी बुक में नहीं लिखा, लेकिन वो इसी में आएगा। और मैं खुद आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा, ये वर्ड यूज़ होते हैं जो सेंसेक्स निफ्टी पूरे चैप्टर में कहीं यूज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं बता दूंगा। फिलहाल इसी पे समझने पे ध्यान दो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब जो चीज़ जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। आप बताओ मनी मार्केट की जो ड्यूरेशन है वो कितने साल की है? 1 ईयर की। और कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन क्या है? मोर देन 1 ईयर। तो खुद समझो ज़्यादा लिक्विड क्या होगा, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट? कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट, दे आर वेरी लिक्विड इन नेचर, क्योंकि इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या है? मैक्सिमम लेस देन 1 ईयर, और ये क्या है? लेस लिक्विड। ये नहीं कि ये लिक्विड नहीं है, लेकिन ये कुछ लेस लिक्विड है। सेफ्टी, ज़्यादा पैसा कहाँ पे सेव है? मतलब आप खुद बताओ, शेयर खरीदना सेफ है या आरबीआई के टी बिल खरीदना सेफ होंगे जो आरबीआई इशू करता है? मनी मार्केट में ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट बैंक इशू करता है, कैपिटल मार्केट में ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करती है। तो आप खुद बताओ सेफ्टी कहाँ पे आएगी, बैंक वाली चीज़ को खरीदने में, मनी मार्केट में खरीदने में सेफ्टी है, कैपिटल मार्केट में? तो ऑफ कोर्स मनी मार्केट टी बिल में ज़्यादा सेफ्टी हमें दिखेगी, जो मुझे आंसर भी आ गए बच्चों के, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिस्की होगी इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज प्रिंसिपल रिपेमेंट, क्योंकि जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है मे बी वो अपने प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग काम ना करे। जैसे कि अनिल अंबानी जी की जो कंपनी थी, अब उसे कोई नहीं जानता, आरकॉम, बेचारी बिल्कुल डूबने वाली है आरकॉम, क्योंकि कंपनी अगर सही से काम ना करे तो आपका पैसा लगाना वो बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफर है, बहुत कम रिस्क है डिफ़ॉल्ट होने का, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम टाइम की है, और जो इश्यूअर है, जो पैसा ले रहा है आपसे, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत अच्छी है, जैसे आरबीआई पैसा अरेंज कर रहा है या कमर्शियल बैंक वगैरह। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, भैया ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिलती है? आपने एक लाइन सुनी भी है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, जितना ज़्यादा खतरा लोगे रिटर्न भी तो उतना ज़्यादा आएगा। हाँ भैया, तो खतरा ज़्यादा कहाँ पे है? खतरों के खिलाड़ी कहाँ पे बन रहे हो? खतरों के खिलाड़ी भैया, कैपिटल मार्केट में खतरा है तो रिटर्न आने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो हमारे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं जब हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। तो यहाँ पे तो कम है रिटर्न के चांसेस, यहाँ पे इट इज़ हायर, क्योंकि यहाँ डिविडेंड भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और कैपिटल गेन के भी चांसेस हैं। और भैया इसे रेगुलेट कौन करेगा? इसे रेगुलेट सेबी करेगा। कौन है सेबी? ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, सेबी का मीनिंग, उसके फंक्शन वगैरह। कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बहुत अच्छी वीडियो भी दिखाऊंगा सेबी के बारे में बताऊंगा भी। और इसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई मनी मार्केट को। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल और मनी मार्केट का कंसेप्ट पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो कम्प्लीट हो गया। अब जो मुझे नेक्स्ट कंसेप्ट आज की वीडियो में बताना है, ज़रा सुनते रहो ज़रा 2 मिनट, दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कैपिटल मार्केट है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हुए थे,
कैपिटल और मनी। मैंने कल वाले लेक्चर में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बता दिए, हाँ भैया बता दिए। अब कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब जब शेयर को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब एग्जिस्टिंग शेयर को जो ऑलरेडी इशू हो चुका है उसे बार बार खरीदते हो तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। आज मुझे क्या समझाना है, आज मुझे प्राइमरी मार्केट में मेथड ऑफ फ्लोटेशन बताना है कि शेयर इशू करने के कितने तरीके हैं। पहले तो देखो कैपिटल मार्केट के दो बात, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी न्यू इशू मार्केट, ये वो मार्केट है जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहा है। कंपनी कहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है पता है, या शेयर इशू करो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। तो आज मुझे जो आप बताना है वो है मेथड ऑफ फ्लोटेशन, कि शेयर इशू करने के कितने मेथड हैं। कुल 5 मेथड हैं शेयर इशू करने के, और फिर हमारा बस इस चैप्टर में एक ही कंसेप्ट रह जाएगा और वो है सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का लास्ट टॉपिक है और रेलेवेंट, और इस पर भी केस स्टडी काफ़ी आती है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। शेयर इशू करने के कितने मेथड हैं, शेयर इशू करने के कितने मेथड हैं। कुल मिला के कंपनी 5 मेथड से शेयर इशू करती है। मैं पहले 5ों मेथड समझा दूँ, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दूंगा कि कंपनी आजकल कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है। तो 5ों मेथड को मैं समझाता हूँ एक एक करके कि 5 मेथड कौन से हैं शेयर इशू करने के। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन के मेथड सीखते हैं जल्दी से कि कौन कौन से मेथड है फ्लोटेशन के। देखो जरा बात को ध्यान से, जैसे कि समझ लो एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या साथ में निखिल एसोसिएशन। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को या निखिल एसोसिएशन को 2,00,000 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं शेयर इशू करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, तो कैसे शेयर इशू हो सकते हैं पहले समझ लेते हैं, फिर मैं एक एक करके रीड करा दूँगा कि शेयर इशू करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो मैं एक एक करके मेथड समझाता हूँ कि शेयर इशू करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो समझो बात को ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये एक एसोसिएशन है और इधर समझो मैं इंडियन पब्लिक बना रहा हूँ, ये है इंडियन पब्लिक। अब बात को ध्यान से समझते रहना, इंडियन पब्लिक, आम जनता इंडिया की। कितनी है बेटा आम जनता इंडिया की कुल मिला के, कुछ लोग बना देते हैं आम पब्लिक में से, और इतने में हम आम पब्लिक बना रहे हैं। मैं ये बात भी बता दूँ भैया, फर्स्ट टाइम शेयर किसने इशू करे थे इंडिया में बता देना। फर्स्ट टाइम रिलायंस कंपनी ने ही शेयर इशू करे थे इंडिया में, मतलब धीरूभाई अंबानी ने, रिलायंस जिनकी है, धीरूभाई अंबानी ने इंडिया में फर्स्ट टाइम शेयर इशू करवाए थे। और जिसे ज़्यादा जानना है तो उनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है गुरु, वो देख लेना, अच्छी अच्छी मूवी देखा करो तो नॉलेज बढ़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ इंडिया की पब्लिक बना रहे हैं। इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, कुछ नमूने बना दिए उसमें से, तो ये कुल मिला के 135 करोड़ लोग हैं, बातों को समझो। ठीक है, ठीक है भैया, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। अब कंपनी को शेयर इशू करना है, एक सीधा तरीका क्या है, कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करे, और किसे इशू कर दे, शेयर को इशू कर दे। मतलब जिस बंदे ने भी शेयर खरीदने हैं वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, डायरेक्ट कंपनी से क्या खरीदेगा, प्रोस्पेक्टस खरीदेगा, और उसमें सब कुछ होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, कंपनी की जानकारी, कंपनी क्यों शेयर इशू कर रही है। वो प्रोस्पेक्टस इशू करके, प्रोस्पेक्टस खरीद के क्या खरीद लेंगे, कंपनी के शेयर। तो एक मेथड है सीधा पब्लिक को डायरेक्ट इशू करना शेयर, एक तरीका क्या है डायरेक्ट शेयर इशू कर देना, जिसे कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, कि डायरेक्ट कंपनी इशू करती है शेयर। और अच्छे से समझाऊँ, प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना होगा बेटा, जब स्कूल में एडमिशन लेना होता है, याद करो जब स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो आपके पेरेंट्स स्कूल वालों से प्रोस्पेक्टस खरीद के आते हैं, जिसमें प्रोस्पेक्टस में एक एडमिशन फॉर्म होता है, आप उस एडमिशन फॉर्म को भर के स्कूल वालों को दे देते हो जिससे कि आपका स्कूल में एडमिशन हो जाए। सेम टू सेम, अगर किसी को किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो वो उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीद के आए, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दो तो आप उस कंपनी के क्या खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। तो फर्स्ट मेथड इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसमें डायरेक्ट ही आप पब्लिक को शेयर इशू करोगे, फर्स्ट मेथड।
ठीक है भैया, फर्स्ट मेथड आगे बात। भैया सेकंड मेथड कौन से? सेकंड मेथड है ऑफर थ्रू सेल। ऑफर थ्रू सेल में क्या होगा भैया? ऑफर थ्रू सेल में क्या होगा? अब आपको पता है जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो निखिल एसोसिएशन है, वो इतने सारे काम में बिजी है, तो वो शेयर इशू का काम खुद कोई करेगी? वो किसी इंटरमीडियरी को अपॉइंट कर लेगी, वो किसी ब्रोकर को अपॉइंट कर लेगी। हम सारे शेयर ब्रोकर को इशू कर देंगे, पहले हम सारे शेयर किसे इशू कर देंगे? ब्रोकर को। अब ये ब्रोकर की ड्यूटी है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर कैसे इशू करेगा, और ब्रोकर इस चीज़ की क्या लेता है? कमीशन, जिसे हम क्या भी कहते हैं, अंडर राइटर कमीशन। तो एक तो है डायरेक्ट इशू कर देना, लेकिन कंपनी के इतने सारे काम होते हैं, कंपनी कितनी बार डायरेक्ट इशू नहीं कर पाती, तो कंपनी अपने सारे शेयर ब्रोकर को इशू कर देती है, और ब्रोकर जब पब्लिक को शेयर इशू करता है तो उसे कह देते हैं ऑफर थ्रू सेल, कि मैंने तो ब्रोकर को दे दी, मेरा स्यापा खत्म, मेरी टेंशन खत्म, अब ब्रोकर देखे पब्लिक को कैसे इशू करने, मेरे बस की नहीं है शेयर इशू करना। तो ये हो गया दूसरा मेथड। पहले में तो डायरेक्ट इशू करा, दूसरे में किसके थ्रू इशू करा? ब्रोकर के थ्रू। ठीक है भैया, और कौन सा मेथड है भैया शेयर इशू करने का? तीसरा मेथड होता है राइट। तीसरा मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना, तीसरा मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन सा मेथड होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कि 135 करोड़ लोग थे, इनमें से मुझे एक दो लोग बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा इन दो लोगों पे ना बहुत पैसा है, मुझे 10 करोड़ चाहिए फॉर एग्जांपल, और मुझे लगता है ये 2 करोड़ ही मुझे 10 करोड़ दे देंगे, तो मैं क्या करूँगा, इतने सारे लोगों में से बस 2 लोगों को ही शेयर इशू करूँगा। जब मैं गिने चुने लोगों को शेयर इशू कर रहा हूँ तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कि सिलेक्टेड बैंक से पैसे ले लिए, LIC से पैसे ले लिए, जब गिने चुने लोगों से पैसे लेता हूँ तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। पहले में तो सबके लिए शेयर इशू हो रहे थे, दूसरे में सबके लिए हो रहे थे लेकिन ब्रोकर के थ्रू हो रहे थे, थर्ड मेथड में मुझे लगा यार सबसे क्यों लेना पैसे, मेरे 2-3 जानकार हैं जो सारा पैसा लगा देंगे, वही मुझे सारा पैसा दे देंगे कंपनी के लिए। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अभी बेटा इसी समय आजकल ही जियो ने 43,000 लगभग, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रही, शायद 43,500 करोड़ की डील करी, किसके साथ? फेसबुक के साथ। किसके साथ? फेसबुक। उसने खाली अपने शेयर फेसबुक को इशू करे और फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदे हैं जियो के। पता नहीं न्यूज़ देखते हो या नहीं, जियो ने अपने 9.99% शेयर किसे इशू करे? फेसबुक को, और फेसबुक ने डायरेक्ट उसे कितने पैसे दे दिए? 43,500 करोड़। उसने सबसे पैसे ही नहीं लिए, ऐसी कंपनी ने 5-6 कंपनी और है, कुल मिला के 10 कंपनी है, गिनी चुनी कंपनीज को शेयर इशू करे और उनसे पैसे ले लिए। तो ऐसे मेथड को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सुनी ये न्यूज़ या नहीं सुनी, न्यूज़ देखते हो नहीं देखते, इस मेथड को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब आप गिने चुने लोगों को शेयर इशू करते हो तो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। आप सबसे पैसा नहीं मंगाते, आपके डाउट बाद में लूंगा मैं। तीन मेथड हो गए, थर्ड में हम गिने चुने लोगों को दे रहे हैं, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है भैया, ओके भैया, बाकी दो मेथड और कौन से हैं? एक फोर्थ मेथड आता है, फोर्थ मेथड कौन सा है? फोर्थ है राइट इशू। राइट इशू भैया, राइट इशू का मतलब क्या है? जब मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, मेरे पास, मैं ऑलरेडी कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे कुछ एडिशनल फंड चाहिए था, तो मैं कुछ नए शेयर इशू करना चाहता हूँ। जब मैं नए शेयर इशू करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या कहूँगा, भाई नए लोगों से पैसे क्यों मंगवाने, पहले अपने मालिक लोगों से पूछ लो, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। जब मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू कर देता हूँ तो उसे कहते हैं राइट इशू। और ये कंपनी पे ऑब्लिगेशन होती है कि हर एक कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पहले पूछना होता है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसे राइट इशू कहते हैं। कि अगर आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है, ध्यान रखना ये कब लगेगा, आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है और कंपनी को और पैसा चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लेगी, क्या तुम पैसा लगा दोगे क्या? और भैया इसका एग्जांपल, हाँ, वोडाफोन और आइडिया ने अभी 1-2 साल पहले ऐसा किया था। वोडाफोन प्लस आइडिया जब एक कंपनी बन गई थी, तो कंपनी ने शायद
12.5 करोड़ शेयर इशू करे थे, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, न्यूज़ खुद देख लेना। उन्होंने राइट इशू का यूज़ किया था, उन्होंने किसका यूज़ किया था, राइट इशू का यूज़ किया था। बेटा ये सब प्रैक्टिकली होता है। एक मैं इतना टाइम नहीं सारे केस समझा पाऊँ, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, एक कंपनी होती थी अगर आपको पता हो, इसका नाम, इसे इंडियन टीम, जो क्रिकेट इंडियन टीम थी उसे यही स्पॉन्सर करती थी पहले कंपनी, और आज के दिन इस कंपनी का नाम भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न यही है, उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट सही से नहीं करी थी, उन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी और कंपनी डूब चुकी है आज के दिन। ठीक है, खुद अगर टाइम लगेगा तो मैं बता दूंगा प्रॉपर कहानी इसके भी। और लास्ट पॉइंट क्या है, वो है EIPO, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट में समझाया था, पब्लिक को ही शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन फिजिकल फॉर्म में इशू ना करके किस फॉर्म में इशू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। यह है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार शेयर इशू कर रहा हूँ लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में। अब तो सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म में हो जाता है ना, अब तो सब कुछ किस में हो जाता है, ऑनलाइन फॉर्म में। भैया आजकल किसी कंपनी का IPO आया था क्या? हाँ, अभी लॉकडाउन से एक दो महीने पहले SBI कार्ड, SBI कंपनी है ना, SBI बैंक, उन्होंने एक नया शेयर इशू करा था, SBI क्रेडिट कार्ड, क्योंकि SBI बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड की सर्विस होती है ना, तो उसके लिए एक नया शेयर इशू करा था SBI क्रेडिट कार्ड का। इसकी लगभग वैल्यू 750 रुपये में इशू करा था पर शेयर इन्होंने। तो वो है जब आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हो, दैट इज़ EIPO। सर 10 दिन पुरानी न्यूज़ है ये, तो दोबारा इशू होंगे तो बेटा ये कुछ मैंने 5 मेथड विद एन एग्जांपल समझाने की कोशिश करी, जिससे बातें समझ में आए कि बुकिश नहीं है कंसेप्ट, ये प्रैक्टिकली सारे मेथड यूज़ होते हैं शेयर इशू करने के। ये नहीं कि बस बुक में रटा और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मैं रीड भी करा देता हूँ आपको, और इस पे केस स्टडी भी बहुत आएंगी, मेरे एग्जांपल से याद रखोगे तो केस स्टडी सोल्व हो जाएंगी। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है शेयर इशू करने का बाय पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। इसमें आप सब्सक्रिप्शन को इनवाइट करोगे पब्लिक से, क्या इशू करके, प्रोस्पेक्टस। स्कूल वाली बात याद रखो, स्कूल वाले भी तो प्रोस्पेक्टस प्रिंट करके एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, किसी ने तो खरीदा होगा प्रोस्पेक्टस अपने छोटे भाई बहन का कभी एडमिशन करवाने गए हो तो। सेकंड, ऑफर फॉर सेल। इस मेथड में सिक्योरिटी मैं डायरेक्टली इशू नहीं करूंगा पब्लिक को, लेकिन किसके थ्रू इशू करूंगा, इंटरमीडियरी के थ्रू, जिसे हम इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी 2 स्टेप में बेची जाएगी। पहले मैं सिक्योरिटीज़ को किसे बेचूंगा, इंटरमीडियरी को फेस वैल्यू पे, और फिर वो इंटरमीडियरी किसको बेच देंगे, जनरल पब्लिक को थोड़े से हाई प्राइसेस पे, जिससे कि कंपनी किससे सेव हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटी से, उन्हें फॉर्मेलिटी कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ने के चक्कर नहीं पड़ता कंपनी को। प्राइवेट प्लेसमेंट एग्जाम्पल जो अभी जियो ने करा, अंडर दिस मेथड कंपनी सेल सिक्योरिटी privately to financial institution and some selected individual। इस method में आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है, public issue का खर्चा हुआ नहीं, direct गिने चुने लोगों को पैसा मंगवा लिया। जैसे कभी Reliance को पैसा चाहिए होगा तो मेरे से ले लेती है कि निखिल एसोसिएशन को शेयर इशू कर दिए, कहाँ अलग अलग लोगों से पैसे लेंगे, निखिल एसोसिएशन को शेयर इशू कर दिए और मेरे से पैसा ले लिया, मैं दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइट इशू। दिस इज़ द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं, इट इज़ कॉल्ड राइट इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर। आप आउटसाइडर से नहीं पूछोगे, पहले अपने लोगों से ही पूछोगे, कंपनी के मालिक लोगों से, भाई आपने तो पैसा नहीं लगाना कंपनी में, और लगाना चाहते हो तो लगा दो। और लास्ट में EIPO, अंडर दिस मैथड ए कंपनी कैन इशू फ्रेश कैपिटल थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑनलाइन सिस्टम से जब मंगा रहे हो, आज के दिन सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा EIPO। फॉर दिस द इशूइंग कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ SEBI। भैया कोई भी ऑनलाइन पैसा मंगा सकते हैं नहीं, उसके लिए SEBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको एक अरेंजमेंट में एंटर करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, भैया ये SEBI क्या है,
ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्यों घबराते हो, क्यों घबरा रहे हो? अगले लेक्चर में यही तो पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, मतलब एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करता है उसे सेबी कहते हैं। तो ये हम सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट रह गया, उसके अलावा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसे अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।